हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अभी पुरी में हैं और हम लोग आज आपको पुरी का दर्शन कर मतलब पुरी में जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसके दर्शन करवाएंगे और अपने साथ पुरी घुमाएंगे। आप लोग भी हमारे साथ पुरी घूमिए और हमारे साथ पुरी का पूरा व्यू मंदिर सब देखिए हमारे साथ और पुरी का इंजॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये जगन्नाथ मंदिर के रास्ता है। यहाँ से अभी हम लोग जगन्नाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये गली काफ़ी छोटी छोटी है, बहुत ही कंजेस्टेड है। हम लोग तो अवॉइड ही करेंगे, मतलब आप लोग को मना ही करेंगे कि अपना प्राइवेट व्हीकल लेके मत आइए, आप यहाँ पे यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, क्योंकि हम अभी लेके आए हैं तो काफ़ी बार बार मतलब ट्रैफिक हो जा रहा है, स्ट्रक हो जा रहे हैं, निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये चीज़ आपको फेस ना करनी पड़े, तो आप जब भी आएँ तो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके ही मंदिर की तरफ आएँ, क्योंकि गलियाँ बहुत ही छोटी हैं यहाँ की। एक्चुअली हम मंदिर तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस था वो बोले कि इस एरिया में पार्किंग नहीं कर सकते वहाँ पे, मतलब तो शायद यहाँ पे ये है कि वो नो पार्किंग एरिया था मतलब उस जगह पे। तो हमें बोला उन्होंने जाके आप दूर जाओ, वो थोड़ा पीछे वहाँ पे पार्क करना, तो हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पार्क कर सकते हैं। वैसे प्रेफरेंस ये रहना चाहिए कि जब भी आ जाए तो वो लोग लोकल ऑटो जो नहीं बैटरी रिक्शा वो काफ़ी चल रहा है वो यूज़ करना चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो इसी से चल लेते हैं। गूगल में मैप में देखा तो दिख रहा था सामने ही, कोई नहीं अभी हम गाड़ी पार्क करते हैं फिर मंदिर के अंदर चलते हैं दर्शन करने। कुछ जगहों पे हमें ये रहना पड़ेगा कि गूगल मैप पे बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं कि गूगल मैप हमें पार्किंग या एरिया सही बता रहा है। तो बेस्ट रहेगा ऐसे छोटी गलियों में लोगों से, लोकल से पूछ लें पहले कि कहाँ पे पार्किंग है, ये है वो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो हमें बार बार रीरूट करते रहना पड़ेगा। हाँ हाँ ओके, लाइट हाउस से जाके उधर इसे जाओगे, हाँ टर्न मोड़ोगे, हाँ टर्न मोड़ोगे होगा पहला, ठीक है धन्यवाद। पार्किंग नहीं, मंदिर मंदिर जगन्नाथ मंदिर, हाँ सीधे पार्किंग मिल जाएगा, धन्यवाद भैया। तो ये अभी हमने एक लोकल जो यहाँ के हैं वो बैटरी रिक्शा वाले, उनसे पूछा, वो बताइए इस रास्ते को फॉलो करने के लिए तो पार्किंग मिल जाएगा। रास्ता तो काफ़ी वाइड है, मतलब ठीक है गाड़ी के लिए सही है, शायद वो हम लगता है कुछ शॉर्टकट या वहाँ पुराने वाले रास्ते से कहीं गए थे, मतलब ये रास्ते से सही लग रहे हैं। मतलब फाइनली हमने अपनी कार पार्क कर ली है, अब यहाँ से मंदिर का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, तो अब देखते हैं अगर लोकल ट्रांसपोर्ट जाता है तो लोकल ट्रांसपोर्ट, नहीं तो अगर वो नहीं जाएगा तो फिर हम लोग वॉक करके जाएंगे। तो अब चलिए मंदिर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे बड़ी पार्किंग अवेलेबल है, तो हम पहले गलत वे में चले गए थे, रॉन्ग वे से गए थे, तो फिर तो इसलिए हमें वहाँ से वापस भेज दिया गया, पर यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है। तो फाइनली हमें पार्किंग मिल चुका है, यहाँ पेड पार्किंग अवेलेबल है, 40 रुपीज़ चार्ज है,
लेकिन पार्किंग काफ़ी अच्छी है और यहाँ से मंदिर बिल्कुल सामने है, वॉकिंग डिस्टेंस है तो हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। अब हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं वॉकिंग करके। ये यहाँ का लोकल मिठाई देखिए, खाजा। अब हम लोग मंदिर की तरफ चल रहे हैं। ये मंदिर की ही गली है, मतलब मंदिर के पास की गली है। हमने सोचा थोड़ा वॉक करके चलते हैं ताकि हम लोग आप लोग को भी दिखा सके और हम भी देख सके। आप लोग सामने देख रहे हैं ये जगन्नाथ जी का मंदिर है और उनकी ध्वजा देखिए, ध्वजा देखिए, ध्वजा कितनी सुंदर लग रही, कितनी प्यारी लग रही, लहरा रही है पूरे अपने। और कहा जाता है कि जगन्नाथ जी की ध्वजा हर रोज बदली जाती है और ये हवा के विपरीत दिशा में बहती है। ये कितना भव्य है, कितना बड़ा मंदिर है। बड़े परिसर में बना हुआ ये मंदिर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग मंदिर यहीं से अभी फ़िलहाल, क्योंकि फ़ोन या कैमरा अंदर ले जाना मना है तो हम अंदर नहीं ले जा सकते। सो जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, सामने मंदिर है। देखिए कितने लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। ये चार धामों में से एक धाम प्रभु जगन्नाथ जी का पुरी। ये सामने क्लॉक रूम, उसी के सामने मंदिर और ये मंदिर परिसर देखिए कितना भव्य है और कितने ह्यूज एरिया में फैला हुआ है। ये महाप्रसाद है, आप लोग महाप्रसाद मेरे पास देख रहे हैं। ये वहाँ पे मंदिर परिसर में ही महाप्रसाद हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो हमने वहाँ से महाप्रसाद अपने लिए पार्सल करा लिए। आप चाहे तो वहाँ पे भी बैठ के खा सकते हैं और अपने साथ भी ला सकते हैं। तो हम अपने साथ लेके आए, हम वहाँ नहीं खा पाए क्योंकि बच्चे दोनों छोटे थे और वो छोटा मतलब मेरे बच्चे सो गए थे, इसलिए हम अपने साथ पार्सल ले आए और यहाँ हम लोग गाड़ी में बैठ के प्रसाद खा रहे हैं। तो आप लोग देखिए कितना मतलब प्रसाद कितना यम्मी है और देख के कितना मतलब मुंह में पानी आ रहा है, इतना अमेजिंग लग रहा है प्रसाद देखने में और खाने में भी अच्छा ही होगा। ऑब्वियसली बात है भगवान जी का प्रसाद है तो वो तो अच्छा ही होता है। सो चलिए इसे खाते हैं और मैं बताती हूँ फिर आपको कि कैसा है ये। ये 2:30 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाता है, वैसे तो मिलता हमेशा सुबह से ही है, जब मंदिर खुल जाता है तब से मिलता है, बट 2:30 बजे के बाद से फ्रेश मिलना स्टार्ट हो जाता है, फ्रेश महाप्रसाद मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो सो हम 2:30 बजे तक हमने वेट किया और हम महाप्रसाद लेके आए हैं अपने साथ।
और ये हम यहाँ अभी कार पार्किंग है, वहाँ पे हम लोग खा रहे हैं क्योंकि बच्चों की वजह से हम नहीं खा पा रहे वहाँ पे, तो इस वजह से हम अपने साथ लेके आए हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं तीन वेराइटी के चावल हैं, जैसे कि प्लेन राइस हो गया, ये मीठे चावल हैं और ये भी दाल को मिक्स करके चावल बनाया गया है, बाकी ये खीर हो गई, दाल हो गया, ये तीन सब्जियाँ हो गई हैं। तो इनको चलिए टेस्ट करते हैं और बताती हूँ मैं कैसा मतलब महाप्रसाद का, मैं भी थोड़ा टेस्ट करके बताती हूँ। ये मीठे चावल थे, ये सब्जी है, इसमें नारियल मतलब कद्दू और काफी कुछ मिक्स करके बना है, जिसका भी क्लियर नहीं बता सकती कि क्या क्या है, बट हाँ इसमें काफी सारी सब्जियों को मिला के बनाया गया है। ये प्लेन राइस है, मतलब प्लेन चावल है, इसमें दाल को डाल के बनाया गया है और ये भी मिक्स सब्जी है। ये भी एक सब्जी है, ये इसके पीछे की एक स्टोरी है छोटी सी, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये महाप्रसाद जो है ना, जैसे मतलब मंदिर परिसर में जब बनता है तो सात बर्तनों को एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है, और यूजुअली होता है ना कि जैसे सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना सबसे पहले बनता है और सबसे टॉप वाले का सबसे बाद में बनता है, लेकिन नहीं, यहाँ मंदिर में थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ सबसे टॉप वाला जो होता है वो सबसे पहले बनता है, फिर उसके बाद उसके नीचे का, उसके नीचे, और लास्ट में सबसे नीचे वाला बर्तन का जो खाना है वो सबसे नीचे लास्ट में बनता है। तो मतलब ये भगवान जी की मतलब ब्लेसिंग बोल दीजिए या करिश्मा बोल दीजिए, जो इतना यूनिक मतलब उससे होता है, सातों को बर्तनों को एक साथ रख के बनाया जाता है, और ये महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है, यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाए, कितने भी लोग आ जाए, कितना भी मतलब लोग खाए, लेकिन ये प्रसाद आज तक ना कम हुआ है ना कम होता है, और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होने का टाइम आता है ये महाप्रसाद अपने आप खत्म हो जाते हैं, मतलब ना वेस्ट होता है ना कभी कोई मतलब रह जाता है कि हाँ उन्हें प्रसाद नहीं मिला। ये भगवान जी का ही करिश्मा है कि इतने लोग, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, खाते हैं, फिर भी ना कभी प्रसाद का शॉर्टेज हुआ है, ना कभी प्रसाद को, महाप्रसाद को फेंका गया है, ये भगवान जी का ही करिश्मा है, और उस करिश्मे में आज हम भी मतलब भागीदार बने हैं, जो हमें भगवान जी ने ब्लेसिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही, हमने पूरी में दर्शन कर लिए, अब दर्शन करने के बाद हम लोग यहीं पे पूरी से थोड़ी सी दूर मतलब 55 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में लिंगराज महाराज का बहुत मतलब शिव जी का लिंगराज जो महाराज के नाम से एक मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन और पुराना मंदिर है, तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ दर्शन करेंगे, और आप लोग भी हमारे साथ चलिए और दर्शन कीजिए। ये तो काफी बड़ा जाम लग रहा है। ट्रैफिक में हम ऑलमोस्ट 2 आवर्स स्टक रहे, फाइनली पुलिस वाले आए और उन्होंने फिर यहाँ क्लियर कराया। जब मैं बाहर निकल के पूछा तो पता चला कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो वो टायर वायर जला के रोड को बिल्कुल ब्लॉक कर चुके हैं। देखिए, आप पुलिस वाले को देख रहे होंगे आप, तो इन्होंने रोड को अभी क्लियर कराया, थैंक्स। लेकिन हम 2 आवर्स स्टक ही रहे।
फ्रेंड्स फाइनली हम लोग लिंगराज महाराज मंदिर पहुंच चुके हैं। चलिए आप लोग को भी अपने साथ दर्शन करवाते हैं। सो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, अभी शाम हो चुकी है, लेकिन शाम को भी देखिए मंदिर का नज़ारा कितना सुंदर और कितना भव्य लग रहा है। मंदिर कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। लाइटिंग वगैरह लाइटिंग्स भी कितनी मतलब सुंदर की गई है, ये देख सकते हैं आप लोग। आप लोग भी देखिए कितना प्यारा तो सुंदर बनाया गया शिवलिंग रूप को। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।